अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूँ एकता शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइन पर। मलिक रियाज कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़ाहिर बुखारी ने कहा है कि उनके मौकिल ने किसी को धमकी नहीं दी। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात मुश्किल मरहले में है, जरूरत पड़ने पर मुज़ाकराती टीम को दोबारा भेजने का इशारा। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि सिंधी भाई नाम निहाद कौम परस्तों के बहकावे में ना आए, एमकेएम के खिलाफ साजिशें बंद की जाए। श्रीलंका ने पाकिस्तान रेलवे को 30 नए ऑयल टैंकर्स देने की पेशकश कर दी, मुआहदा अगले माह होगा। लकी मरवत में क्रिकेट मैच के दौरान फायरिंग, पुलिस अहलकार समेत 3 अपराध जहां बहा। जका अशरफ ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने में पंजाब हुकूमत रुकावट है। और यूरो फुटबॉल कप में रिवायती हरीफ इंग्लैंड और फ्रांस का मैच 1-1 गोल से बराबर।